विराट कोहली है कि मानते नहीं, पहले पाकिस्तान की जमकर धुनाई की, अब नीदरलैंड को चखाया मजा। ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे T20 वर्ल्ड कप में कोहली ने लगातार दूसरी 50 लगा दी है। सिडनी में नीदरलैंड के खिलाफ भी विराट का बल्ला खूब चला है। विराट कोहली ने नीदरलैंड के खिलाफ 62 रनों की पारी खेली। उन्होंने 44 गेंदों में 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से ये रन बनाए। विराट ने मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ जहां अपनी पारी खत्म की थी, सिडनी में वहीं से शुरुआत की। इस बल्लेबाज ने मैच में अपनी तूफानी बैटिंग से फैंस का खूब मनोरंजन किया। केएल राहुल के 9 रनों पर आउट होने के बाद तीसरे ओवर में बैटिंग करने आए विराट कोहली ने धीमी शुरुआत की, जो कंडीशन के हिसाब से ठीक थी। इसके बाद उन्होंने रोहित शर्मा के साथ मिलकर मोर्चा संभाला और टीम के स्कोर में रनों का इजाफा किया। जब रोहित एक छोर से चौके छक्के बरसा रहे थे तो कोहली ने उन्हें स्ट्राइक दी। इसके बाद जब रोहित आउट हुए तो फिर खुद फ्रंट फुट पर खड़े नजर आए। विराट ने सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर टीम को 2 विकेट पर 179 रनों तक पहुंचाया। इस पारी की बदौलत कोहली अब T20 वर्ल्ड कप में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल को पछाड़ा है। विराट कोहली अब तक T20 वर्ल्ड कप में 989 रन बना चुके हैं। उन्होंने 23 मैचों की 21 पारियों में इतने रन जोड़े हैं। इस दौरान उनका बल्लेबाजी औसत 89.90 और स्ट्राइक रेट 132.04 रहा है। अपनी इन पारियों में विराट 12 अर्धशतक जड़ चुके हैं। T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में श्रीलंका के महिला जयवर्धने हैं, जिनके नाम 1016 रन है। विराट सिर्फ 27 रन दूर है इस रिकॉर्ड से। अगर वो पर्थ के मैदान में ऐसा कर लेते हैं तो T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। कमाल की बात यह है कि वर्ल्ड कप में विराट कोहली आउट नहीं हुए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ विराट नाबाद रहे थे और आखिर तक क्रीज पर डटे रहे, तो वहीं नीदरलैंड के खिलाफ भी विराट 20 ओवर का खेल खत्म होने के बाद पवेलियन लौटे थे। वर्ल्ड कप के 2 मैचों में विराट के नाम 144 रन हो गए हैं, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 148.45 रहा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पर्थ में होने वाले मुकाबले पर अब सभी की नजरें होंगी, क्योंकि विराट जिस तरह की फॉर्म में चल रहे हैं उसे देखकर लगता है कि कहीं वो शतक ना जड़ दें। पर्थ में टीम इंडिया पहली बार T20 मैच खेलने उतरेगी। ऑस्ट्रेलिया में विराट बहुत खतरनाक हो गए हैं। उनका बल्ला अब शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस टूर्नामेंट में विराट सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन सकते हैं और कोहली के दम पर टीम इंडिया वर्ल्ड कप का खिताब जीत सकती है।